Hey Siri, set the reminder for 20th March to call Yogi Four Lions. Your reminder is set for Saturday. Thank you, Siri. ऐसे ही बहुत सारे ऑफिसेज में घूम रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है चीज़ें लोगों से मिलना। आई शो यू, मैंने कुछ पेजेस प्रिंट किए हैं जिसमें बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज, बहुत सारी कास्टिंग ऑफिसेज और ढेर सारी चीज़ें जो फिल्म रिलेटेड हैं, जो फिल्म बनाते हैं या फिल्म के लिए कास्ट करते हैं या सीरियल बनाते हैं या फिर वेब सीरीज बनाते हैं उसके लिए कास्ट करते हैं, उसका एक लंबा पर्चा तैयार कर रखा है। अब मैं इसको देखते देखते जाता हूँ हर जगह। सबसे पहला काम मैं करता हूँ आजकल कि मेरा ज्योग्राफी थोड़ा सा वीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं जिधर से भी गुजर रहा होता हूँ तो बिल्डिंग्स चेक करता हूँ कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है, और इसके साथ साथ मैं इससे भी मिला रहा होता हूँ कि यार अच्छा ये बिल्डिंग यहाँ पे है, और दिमाग में रखता हूँ कि अगर मैंने कभी किसी बिल्डिंग को देखा ही है, बस कोशिश करता हूँ दिमाग में रखने की सो दैट अचानक कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे जाके झट से पकड़ ले। वेलकम बैक टू चैनल, मेरा नाम है अर्शद और आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग नहीं होने वाला है बिकॉज मैंने दिन को बहुत देर शुरू किया और आज से ना मैंने क्या किया है कि शाम में जिम करना शुरू किया, नॉट आज से, चार दिन पहले से मैंने शाम में जिम करना शुरू किया, सो दैट कि जो दिन का टाइम है मैं उसको थोड़ा वर्कआउट कार्डियो एक्टिविटी में बिताऊँ, थोड़ा जल्दी उठ के थोड़ी किताबें पढ़ूँ और उसके बाद दिन के कुछ काम में लग जाऊँ और फिर शाम में अपनी एक्टिविटीज को ऐसा पंप करके बिस्तर पर चला जाऊँ। आज का दिन मैंने ऐसे दरवाज़ा खटखटाने को दिया है कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज जाऊंगा और उनके दरवाजे को ऐसे इतने ज़ोर से खटखटाऊंगा कि जारी मेरी दस्तक की आवाज़ उन तक पहुंचे। यार ये तो बातें करने के लिए, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से आजकल मीट एंड ग्रीट करते हैं। मैं पर्सनली फील करता हूँ लॉकडाउन से पहले इतना नहीं होता था क्योंकि शायद लोग इंसान की अहमियत उनकी तो लोग शायद इंसान की उतनी अहमियत नहीं समझते थे, पर अब मुझे लगता है कि लॉकडाउन ने ना एक सबको मौका दिया इंसानी रिश्तों को समझने का और लोग थोड़े आजकल ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गए, एम्पैथेटिक हो गए हैं। तो मिलने में एक चीज़ तो होता है कि लोग थोड़े ग्रीट अच्छे से करते हैं, मिलते हैं अच्छे से, और बहुत ऑनेस्टली बताऊँ बिहार का रहने का एक फ़ायदा है कि अक्सर लोग जो बाहर रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं या काम करने वाले होते हैं वो बिहार से होते हैं, तो उनसे बातचीत कर लो तो फिर एंट्री थोड़ी आसान हो जाती है। Hey Siri, set the reminder for 20th March to call Yogi Four Lions. Your reminder is set for Saturday. Thank you Siri. यार वो भुट्टा मैं खा नहीं पाता हूँ क्योंकि दांत में यूं ब्रेसेस लगे हुए हैं और इससे पहले भी अंदर रिटेनर्स लगे हुए हैं, पर उसका एक ऑप्शन है जो खाया जा सकता है, वो है छुड़ाए हुए भुट्टे। भैया जरा दिखाओ कैसा है, इसको खाने में वो सेम आनंद तो नहीं है जो ऐसा पूरा भुट्टा खाने में है, लेकिन इससे वो खा के टेस्ट तो लिया जा सकता है। और सच में यार मैं इतना मिस करता हूँ यार, कभी कभी जो चीज़ आपको सबसे पसंद होती है ना वही आप नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, और मेरा रीज़न तो आप जान ही रहे हो, पर इसको खा के इंजॉय करेंगे मस्त। आप भी मुझे बताओ ना यार, ऐसी चीज़ जो आप बहुत करना चाहते थे, बहुत करते भी थे, पर अब किसी रीज़न से आप कर नहीं पा रहे हो। यार सबकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही है जो ऐसे दिल को लगता है कि यार बहुत करने की इच्छा पर कर नहीं पा। मैं ज़्यादा ही घूम लिया हूँ, मैं सबसे पहले एक सनस्क्रीन खरीदूँगा क्योंकि मेरा सनस्क्रीन ख़त्म हो चुका है, और दूसरी बात यह है बहुत भूख लगी है, मेरी मेड नहीं आई, फिर
किचन ऐसे अस्त व्यस्त है कि जाके वहाँ बनाना ना बिल्कुल हिम्मत से बाहर वाली बात है। तो सबसे पहले मैं नथिंग बट चिकन में जाके कुछ बहुत अच्छा हेल्दी कुछ खा लेता हूँ, फिर वहाँ पर से पूरा मैं घर जाऊँगा, उसके बाद जिम में, और जिम के बाद जल्दी सोना आ रहा। और आपको मालूम है प्रकाश झा प्रोडक्शन में जाके मैंने ऐसा वीडियो नहीं ऑन किया, पर आज मुलाकात इससे मालूम है स्वयं प्रकाश झा से। थोड़ी देर ऐसे ही मैंने हाय हेलो किया, उनसे थोड़ी बहुत बातें की, हाँ पर और क्या ही बात करता, क्योंकि वो शायद किसका इंतज़ार कर रहे थे ऐसा लग रहा है, और किसी चीज़ में व्यस्त होंगे सोचने में, तो मैंने ज़्यादा ऐसा डिस्टर्ब करने का नहीं, फट से बात करके वहाँ से निकल गए। पर मुझे अभी भी ऐसा रिग्रेट होता है यार, कैमरा ऑन कर लेना चाहिए था और कुछ पूछ लेना चाहिए था फॉर पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। बट नेवर माइंड, मैंने सोच के रखा है कि अगर अगली बार मैं ऐसे किसी से अचानक मिलूंगा ना, तो क्या एग्जैक्टली पूछूंगा लोगों से और उनसे क्या बात करूंगा। भैया यहाँ पे साइड में लगा दो। बेस्ट चीज़ यहाँ पे क्या है कि यार जो चिकन की क्वालिटी होती है ना, बहुत ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट टेंडर सा चिकन होता है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार जो टेस्ट होता है आप घर में वैसा बना ही नहीं सकते बहुत चाह के लिए। मैं अभी बहुत दिन से यहाँ पर से मैरिनेटेड चिकन लेके जा रहा था, मतलब सीधा मैरिनेटेड चिकन, चिकन को जाके बस पैन पे रखना है फ्राई करके खाना है, और अभी मैं लास्ट वीक से खुद से मैरिनेट कर रहा हूँ, टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। मेरे को पूछना है यार ऐसा क्या बनाते हैं, कुछ आइडिया है भैया कि कैसे यार उसको मैरिनेट करते हैं? शेफ कहाँ मिलेगा मुझे आपका? अरे प्लीज यार, मालूम है खुद से वो करता हूँ ना मैरिनेट, बिल्कुल वैसा टेस्ट नहीं आता, ऊपर से वो ऐसा कड़क सा भी रहता है। बेहतर क्या हो सकता है, मुझे शेफ का नंबर मिल गया है, मैं सबसे पहला ना आज शाम में उनको कॉल करूँगा और पूछूंगा यार मुझे बताओ क्या वो रेसिपी है जिससे आप मैरिनेट करते हो। अगर आप पूरा रेसिपी ना भी बताओ तो बस इतना बता दो कि चिकन सॉफ्ट कैसे हो जाए। जब लोग बहुत चीज़ करने की सोच रहे होते हैं ना और उसको नहीं करते, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अंदर में थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन पैदा होने लगती है, और जिसकी वजह से जो काम हम बहुत आसानी से भी कर पाते हैं उसको नहीं कर पाते। सो मतलब अगर कुछ करने का सोचो तो फट से कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।